हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आजकल आपके अलार्म किस प्रकार से हटाते हैं वो बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है और ओप्पो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते। सबसे पहले आपको सॉरी फ्रेंड्स, अभी थोड़ा कॉल आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कॉल कट किया इधर से। तो अभी देखते हैं क्लॉक, मतलब कि क्लॉक ऐप ओपन कर लेंगी। एंड क्लॉक मतलब कि इस पर क्लिक करने के बाद इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं 5:30 का मेरे में सेट है। एंड इस प्रकार से ऑफ़ करते हैं तब आपको ऑप्शन आएगा टुमारो, कल के लिए ऑफ़ करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कल के लिए कर सकते हैं। एवरी डे क्लिक करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो टुमारो मैं कल के लिए रखना चाहूँगी और उसके अगले दिन आपका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। एंड ये कल के लिए ऑफ है, देख सकते हैं। और इस प्रकार से ऑन करते तब आपका ऑन हो जाता है। एंड इसके बाद पूरा चेंज वेंज करने इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा डिलीट करना है तो उसको प्रेस करके रखें। प्रेस करने के बाद ऑप्शन आएगा डिलीट का, आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे और आपका अलार्म हट जाएगा। एंड अगर ऐड करना है तो इस प्लस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ऐड कर सकते हैं दोबारा से। पर अलार्म पे क्लिक करना चाहिए तभी आपको प्लस करने से आएगा, मतलब ऐड करने का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में अलार्म हटा सकते हो। परिसे अलार्म हट गए तो देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में अलार्म हटा सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।